अस्सलाम वालेकुम। बहुत से बहन भाई परेशान हो रहे होते हैं कि भल्की मिट्टी क्या होती है। ख़ास तौर पे जो बहन भाई पहली दफ़ा शुरू करते हैं गार्डनिंग, मेरी तरह न्यू ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि ये भल्की मिट्टी क्या बला है। तो मैं बताऊंगा कि आपको भल्की मिट्टी क्या होती है, चेक करें। ये पानी वाला नाला है, ठीक है, तो न वहाँ से आता है, वहाँ पर नहर है उस तरफ, ठीक है, और ये नाला जा रहा है इस तरफ, गाँव है, गाँव का पानी जा रहा है, और ये भल्की मिट्टी है ये, ठीक है। तो ये भल्की मिट्टी है, ये इस नाले में से निकलती है और ऐसे बन्नों पे लगा देते हैं। ये तकरीबन ये भल्की मिट्टी पड़ी हुई है, अब यहाँ पे घास उगाया हुआ है आपके सामने, ये चेक करें, ठीक है। ये भल्की मिट्टी है, ये भल्की मिट्टी है, चेक करें आपके सामने, ये अंदर से ही निकली है, इसके अंदर से ही निकली है, निकाल के ये बाहर लगा देते हैं ताकि खाले की सफाई हो सके। आप ही अपने शहर देहातों में देखें, ख़ास तौर पर जो पंजाब का इलाका है, यहाँ तो नाले इस तरह मिल जाते हैं गाँव में, ठीक है, और कराची की तरफ थोड़ा मुश्किल होता होगा। तो कोशिश करें कि ये आप अपनी जो भल्की मिट्टी खुद लेके आएँ, वरना नर्सरी से आपको आसानी से मिल जाती है भल्की मिट्टी, नर्सरी से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये नाला आ रहा है पानी का वहाँ से और यहाँ जा रहा है गांव की तरफ, ये भल्की मिट्टी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें पड़ी हुई है, काफ़ी सारी आवाम उठा के ले भी गई है। पिछले साल मैंने जब गार्डनिंग शुरू की है तो मैंने भी यहाँ से ही भल्की मिट्टी उठाई थी मैंने, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुझे भल्की मिट्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई थी। रेडी का वैसे मैंने रेडी का किराया दिया था मैंने रक्षे का, और ये भल्की मिट्टी मेरे घर तक पहुँच गई थी, घर की छत तक, ठीक है। तो ये है भल्की मिट्टी आपके सामने माशाल्लाह। और ये भल्की मिट्टी की जो खासियत होती है, ये फ्रेश मिट्टी जब होती है भल्की मिट्टी है ना, तो इसमें अगर आप कोई चीज़ ना भी मिक्स करें, कोई फर्टिलाइज़र, तो भी बहुत अच्छी ये ग्रोथ देती है सब्ज़ियों की, ठीक है। इसकी बहुत इसके अंदर ताकत होती है, ताकत वाली मिट्टी होती है। तो कोशिश करें कि आप भल्की मिट्टी इस्तेमाल करें।